नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp से जुड़ी एक जबरदस्त जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों WhatsApp पर हम जब भी किसी को मैसेज करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका नंबर अपने फोन बुक में ऐड करना पड़ता है। दोस्तों जब तक हम किसी का भी नंबर अपने फोन बुक में ऐड नहीं करेंगे तो हम WhatsApp पर उसको मैसेज नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब तक हम किसी का भी नंबर अपने फोन बुक के अंदर ऐड नहीं करते, WhatsApp पर हम उसके साथ चैटिंग नहीं कर सकते और ना ही किसी को मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक या ऐसी एक जानकारी दूंगा जिसकी मदद से आप बिना किसी का नंबर अपने फोन में ऐड करे भी WhatsApp पर उसके साथ बात कर सकते हैं, WhatsApp पर उसे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो बात। तो सब पहले आप अपने प्ले स्टोर पर चलिए दोस्तों, और प्ले स्टोर को आप ओपन कर लीजिए और उसमें आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है व्हाट्स मी। जी हाँ, स्पेलिंग है WHATSME। तो व्हाट्स मी आपको यहाँ पर टाइप करना है, आपको पहले नंबर पर ही ये इसका लोगो नज़र आ जाएगा। आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। देखिए दोस्तों, सिर्फ 1.9 MB की ये ऐप है, बहुत छोटी सी ऐप है और 100,000 लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया हुआ है। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको पहले इंस्टॉल किया था, लेकिन आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम फेस होने लग जाती है और आप फिर कंप्लेंट करते हैं कि वो ऐप काम नहीं कर रही। तो देखिए मैं आपको शुरू से बताऊँगा कि आपको इसमें करना क्या है। देखिए ऐप ये इंस्टॉल हो गई है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी ऐप है और हमारे फ़ोन में ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती, और इस ऐप की मदद से हम बिना अपने फ़ोन में किसी का भी नंबर ऐड करके भी WhatsApp पर उसको मैसेज कर सकते हैं या उससे चैटिंग कर सकते हैं। क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, जब भी हमें WhatsApp पे किसी को मैसेज करना होता है तो हमें अपने फ़ोन में उसका नंबर ऐड करना पड़ता है। अब देखिए ऐप अब ये इंस्टॉल हो चुकी है मेरे फ़ोन के अंदर। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो आपको भी इस तरह से ओपन करना पड़ेगा। आप इसे ओपन कर लीजिएगा। अब देखिए ऐप ओपन हो गई है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर उस बंदे का नाम या नंबर यहाँ पर हमें टाइप करना है जिसके साथ हमें चैट करनी है या हमें मैसेज करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब मान लीजिए हमने किसी को मैसेज करना है और हमारे फ़ोन के अंदर उसका नाम नंबर सेव नहीं है। यहाँ पर आप उसका नंबर यहाँ डाल दीजिए और सबसे पहले कंट्री कोड, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया का कंट्री कोड है 91। तो यहाँ पर मैं उसका नंबर डाल देता हूँ जो मेरे फ़ोन के अंदर फिलहाल सेव नहीं है, एक नंबर उसको। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 91 और अब मैं नंबर डाल देता हूँ। तो देखिए मैंने नंबर डाल दिया है दोस्तों। इसी तरह से आप भी जिसके साथ आपको बिना नंबर सेव करे हुए चैट करनी है तो आप उसका यहाँ पर नंबर डाल दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर ओपन चैट के ऑप्शन पे यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए एक ऐड खुल गया, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये क्लोज हो गया है, ओपन चैट पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये देखिए लोड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर मेरी एक चैट बॉक्स जो है ये ओपन हो जाएगा WhatsApp का। अब देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर सेव नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो चैटिंग बॉक्स यहाँ पर आ चुका है ताकि मैं उसके साथ चैट कर सकूँ। अब यहाँ पर मैं टाइप करके कोई भी मैसेज यहाँ पर भेज सकता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी किसी का भी नंबर अपने फ़ोन में सेव किए बिना भी उसके साथ WhatsApp पर बातें कर सकते हैं, मैसेज शेयर कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से बिना अपने फ़ोन में किसी का भी नंबर ऐड करके हम कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान को टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, और आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती भी रहती है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।